चाहेंगे आप लोग इस जगह को भी प्रमोट करें, ये हमारे दोस्त का स्टूडियो है रेड बल्ब और बहुत शानदार अच्छा है, बहुत अच्छा। स्टूडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, स्टूडियो देखिए एटमॉस्फेयर ही फिल्म का मूड बनाता है और एटमॉस्फेयर से ही आदमी फिल्म देखता है। इसका मैं क्रिएटिव डायरेक्टर रहा हूँ, तो इसकी एक्चुअली जो थी स्टोरी उसमें हमने एक नए तरीके से पेश किया। इतनी बोल्ड फिल्म है लेकिन फिर भी उसको एक पॉजिटिव तरीके से, जैसे एक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ होता है, कि हमारा जो पूरा जो थीम है उसमें जो एक मैसेज है वो ये कि सब कुछ कभी ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजिडीज़ लाइफ में होती हैं, और वो चाहे वो इश्क में हो, रिलेशनशिप में हो, या किसी भी तरह की, मगर फिर भी वो सब कुछ कभी ख़त्म नहीं होता। कहीं ना कहीं से हम फिर से दोबारा से एक शुरुआत कर सकते हैं। तो इस उनका मेन मैसेज यही है। वैसे तो मुन्ना जी ने जैसे अपना इस कहानी के बारे में बताया, तो ये है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी कैसे फिर से वो दोबारा से दो आदमी अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं, उसको हमने एक नए एंगल के साथ में इसमें पेश किया है। यही मतलब उसकी जो USP मैं समझता हूँ वही है। सर अभी जैसे ट्रेलर देखा गया, ट्रेलर एंड होने पर एक गोली की आवाज़ आती है और लिख के आता ब्रेकअप, तो गोली क्या, वो रहस्य क्या है? गोली एक्चुअली जिसमें मतलब वो एक तरह से उसको एम्फेसिस देने के लिए है कहानी को, ब्रेकअप को, वरना इसमें ऐसा एक्शन का कुछ नहीं है। गोली मतलब गोली एक तरह से जैसे मतलब उसको तोड़ने के लिए, बखेरने के लिए एक तरह से सिम्बोलिक की तरह से यूज़ की गई है, बाकी उसका कुछ एक्शन जैसा नहीं है। और हम क्लाइमैक्स रिवील नहीं करेंगे उसका, एक अलग से उसका एक, क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत ही विस्फोटक एक क्लाइमैक्स है, जो मतलब एक ज़माने में कभी रहा था लेकिन हमने उसको बहुत सालों के बाद में एक नया अपन देखने और फिर उसको एक नया जो एंड दिया वो तो बहुत ही खूबसूरत है। सर कहीं ना कहीं कोई बोल्ड सीन कोई ऐसा? हमारी फिल्म फर्स्ट हाफ तो बहुत ही रोमांटिक है और इट्स फुल ऑफ लाइफ। ट्रेजेडी शुरू होती है जब ये लड़का उसको हीरोइन को छोड़ करके चला जाता है बाहर, और उस लड़की के साथ जो गुजरती है अकेलेपन में, वो फिल्म की कहानी बनती है। और क्लाइमैक्स में जब लड़का लौटता है उस, और वो उसको तलाश करने की कोशिश करता है, ढूंढता है, और जब उसको पाता है तो इस एक माहौल ऐसा बन गया है कि वो लड़की कहीं शादी कर रही है, और एक बहुत ही मतलब आप लोग उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग पाएंगे कि जिस कैरेक्टर से शादी हो रही है वो कैसे इस लड़के के साथ। आप फिल्म के डायरेक्टर हैं तो मतलब लोकेशन कहाँ कहाँ के लिए थी आपने? देखिए हमने इस फिल्म को 80% तो लखनऊ शूट किया है, उसके बाद इलाहाबाद शूट किया है तकरीबन 7-8 रोल, उसके बाद नोएडा शूट किया है और महाबलेश्वर और बॉम्बे। और एक लाइन में स्टोरी क्या है सर? तकरीबन 42-45 दिन की शूटिंग है हमारी। एक लाइन में स्टोरी बताएंगे सर? एक लाइन में स्टोरी ये है कि देखिए लखनऊ का माहौल अब जो बदल रहा है, पहले हमको मालूम है कि इतना मतलब कोई लड़की और लड़के साथ चलते नहीं थे, आज से 15-20 साल पहले वो डरते थे कि कोई ये देख लेगा, वो देख लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब जो है वो चूँकि बच्चे बाहर से आते हैं और आपके जो ये जो मीडियम चल रहा है इससे वो इतना बोल्ड हो गए हैं कि आप पाएंगे कि वो एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं गार्डन में जा कर के, और पब्लिक प्लेस में भी एक दूसरे को किस करते हैं। बिल्कुल वही माहौल है जो शायद बॉम्बे में नहीं होगा, आप फॉरेन वाला माहौल वहाँ देख लेंगे। टाइटल की बात तो वो आज़ादी जो है उसके हिसाब से जो कहानी का बेस बनता है वो यही है कि लड़कियां जो है वो अपना आपा न खोए, अपने आप को कंट्रोल में रखें, और माँ बाप ने जो उनके अंदर इन्वेस्ट किया है, माँ बाप जो बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं उसको वो समझें अपनी ज़िम्मेदारी को, और वो जो है वो वापस जब अपने घर जाएँ तो शान से जाएँ, इज्जत से जाएँ, पढ़ करके जाएँ और कुछ बन करके। ब्रेकअप ही क्यों टाइटल रखा नाम आपने? ब्रेकअप क्योंकि हीरो हीरोइन में अलगाव हो जाता है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर एंड में मिलते हैं, और जो कैसे जो मिलते हैं का जो पूरा जूस है कहानी का वो मतलब ब्रेकअप के बाद जो होता है, एक ब्रेकअप मतलब तो एक मामूली बात भी हो सकती है लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होते हैं। वो मतलब जो ब्रेकअप हमेशा इतना आसान नहीं होता, कभी कभी कितना ड्रास्टिक हो सकता है, वो मतलब सेकेंड हाफ जो फिल्म का है वो ब्रेकअप के बाद की कहानी। इंसान का एक गलत स्टेप उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये जो है कहानी का एक मैसेज। कहीं ना कहीं कोई बोल्ड सीन है सर इसमें? कहीं ना कहीं थोड़ा हाँ, बोल्ड सीन्स तो बहुत हैं सर। तो सेंसर की क्या है इस पर कुछ? नहीं सेंसर्ड फिल्म, सेंसर्ड है, US सर्टिफिकेट मिला है हमें और जस्टिफाइड है सारा जो, और सब जस्टिफाइड है सर, कोई चीज़ कहानी के साथ है सब। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो स्टार कास्ट को बता दीजिए।
सर नज़दीक में हो जाए दोनों आप। स्टारकास्ट में साहिल अख्तर खान हैं जिन्होंने दो तीन फिल्में की हैं अभी रिसेंटली, हालांकि ये फिल्म हमने दो साल पहले शुरू की थी तो तब वो फ्रेश थे, रॉ थे मेरे साथ, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनती हैं। और शीतल काले भी स्टेज वगैरह करती हैं, परफॉर्मर हैं बहुत अच्छी, और इसलिए हमने इनका परफॉर्मेंस देख करके इनको अपनी फिल्म में लिया था। और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा लगता नहीं कि ये लोग नए हैं। म्यूजिक काफ़ी बेहतरीन है, किसका म्यूजिक है, किसने गाया है, क्या कुछ? देखिए हमारे यहाँ के हमको म्यूज़िक का शुरू से बड़ा शौक रहा। हमारी जितनी फिल्में बनी हैं 16-17 का म्यूज़िक बहुत लाजवाब था, आप सबको पता है। उसके बाद आशिक है तो दिलबर को पहचान, जिसमें सिद्धार्थ कोयराला मयूरी कांगो थे, उसका भी म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और अभी भी हमने हम एक्चुअली जब एड्स भी बनाते हैं तो जिंगल्स के साथ ही बनाते हैं, तो म्यूज़िक हमारा फोर्टे रहा है। तो हम जब अच्छा कोई गाना सुनते हैं तो उसको अपने पास रख लेते हैं, और जब फिल्म आती है तो उसको इनकॉर्पोरेट करके हम उसको यूज़ करते हैं। रिलीज़, तो आप यकीन मानिए इसमें 5 म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, 5। रिलीजिंग की बात करें तो कब तक दर्शक इसको देख पाएंगे? और ये फिल्म ईद के फौरन बाद रिलीज होगी, ऑल इंडिया। ये फिल्म ईद के फौरन बाद ऑल ओवर इंडिया होगी, और अभी एक टोकन रिलीज हमने यूपी किया है, और कुछ उसकी वजूहत है, कुछ रीजंस हैं उसके। कितनी स्क्रीन मिली है अभी हमको? 20 स्क्रीन्स में हम कर रहे हैं यूपी, और इसके बाद धीरे धीरे वो तो चलेगी। फिल्म अच्छी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जब आप लोग देखेंगे। थैंक यू सर। सर ट्रेलर में हमने देखा जो है कि आपने गांव का कल्चर दिखाया, फिर शहर का जो आज आधुनिक है मॉडर्न भी दिखाया है जी, ये रीजन क्या रहा कि गांव और शहर दोनों को कंपेयर किया? लड़का गांव का है, लड़की भी गांव की है, दोनों गांव के हैं, और वो लखनऊ आकर के वहां की जो लाइफ है आज की आप देख रहे हैं, मतलब लखनऊ तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो माहौल में तब्दीली आ रही है उसको कैसे बच्चे ले रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द गाँव से आके शहर में बदल जाते हैं। लखनऊ की तो भाषा है, काफ़ी मीठी भाषा है। हाँ, मगर अब जबान भी वहाँ की चेंज हुई है मीठी, अभी भी मीठी जबान है। तो कह सकते हैं कि आधुनिक लखनऊ को दिखाया गया है? बिल्कुल, एकदम मॉडर्न लखनऊ। जी जी, ओके। ये फिल्म हम एक्चुअली बॉम्बे भी शूट कर सकते थे, किसी भी शहर में कर सकते थे, लेकिन ये जो एक बेस रहा हमारे कहानी का, जिसमें जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लखनऊ के कल्चर में, उसको हमने एक्चुअली दिखाया। थैंक यू।